नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष आप सभी का अपने चैनल निर्मल ज्ञान में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने भारत के 7 सबसे महंगे होटल्स के बारे में बात किया था, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज हम भारत के सबसे बड़े 7 सुपरस्टार्स के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, तो 7वें स्थान पर आते हैं देवानंद जी, जिनका जन्म 26 सितंबर 1923 को सरकारगढ़ पंजाब, जो कि अभी पाकिस्तान में है, वहीं पर हुआ था। देवानंद जी 1946 से 2011 तक फिल्मों में काम किए। इन्हें बहुत सारे अवार्डों से पुरस्कृत किया गया। इन्हें 2001 में पद्म भूषण और 2002 में बाबा साहेब फाल्के अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। इनकी कई फिल्मों ने बहुत नाम कमाया, जैसे कि काला पानी, हम दोनों, गाइड, जॉनी मेरा नाम इत्यादि। दोस्तों, देवानंद जी 88 के उम्र में 3 दिसंबर 2011 में इस दुनिया को अलविदा कह गए। दोस्तों, 6वें स्थान पर आते हैं सलमान खान जी, जिनका जन्म 27 दिसंबर 1965 को हुआ था। इनका जन्म स्थान इंदौर, मध्य प्रदेश है। इन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1988 से की थी। इन्हें कई तरह की अवार्डों से नवाजा गया है, जैसे कि इन्हें 2 बार नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड और 2 बार IIFA अवार्ड। इसी तरह इनको टोटल 74 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनकी मशहूर फिल्में हैं बीबी हो तो ऐसी, साजन, हम आपके हैं कौन, बीवी नंबर 1, दबंग, एक था टाइगर इत्यादि। दोस्तों, 5वें स्थान पर आते हैं राज कपूर जी, जिनका जन्म 14 दिसंबर 1924 को पेशावर पाकिस्तान में हुआ था। इन्होंने 1935 से 1988 तक फिल्मों में काम किया। इन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है, जैसे पद्म भूषण अवार्ड 1971, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1987। इनकी कई मशहूर फिल्में भी रही हैं, जैसे कि आवारा, बूट पॉलिश, श्री 420 इत्यादि। दोस्तों, इन्होंने 69 के एज में 2 जनवरी 1988 को दुनिया को अलविदा कहा। दोस्तों, 4वें स्थान पर आते हैं राजेश खन्ना जी, जिनका जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। ये 1967 से 2013 तक फिल्मों में काम किए। इन्हें पद्म भूषण से 2013 में नवाजा गया। इन्हें 3 बार फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड भी मिला है। दोस्तों, इनकी कई मशहूर फिल्में भी रही हैं, जैसे अनुरोध, नौकरी, जनता, हवलदार, त्याग, बुंदलबाज इत्यादि। दोस्तों, इन्होंने 69 की एज में 18 जुलाई 2013 को इस दुनिया को अलविदा कहा। दोस्तों, 3रे स्थान पर आते हैं दिलीप कुमार जी, जिनका असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान है। इनका जन्म 11 दिसंबर 1922 को हुआ था। ये फिल्म में 1944 से 1998 तक एक्टिव रहे। दोस्तों, इन्हें कई तरह के पुरस्कारों से नवाजा गया, जैसे पद्म भूषण 1991, निशान ए इम्तियाज 1998 और पद्म विभूषण 2015। दोस्तों, इनकी कई मशहूर फिल्में भी रही, जैसे क्रांति, कर्मा, शक्ति, मसाल और सौदागर। दोस्तों, 2रे स्थान पर आते हैं शाहरुख खान, जिनका जन्म 2 नवंबर 1965 को न्यू दिल्ली में हुआ था। इन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1988 से की थी। दोस्तों, इन्हें कई पुरस्कारें भी मिली हैं, जैसे पद्मश्री 2005 में एंड 8 टाइम्स फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट। इनकी कई मशहूर फिल्में भी रही हैं, जैसे बाजीगर,
दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, देवदास, चक दे इंडिया, माय नेम इज खान। दोस्तों पहले स्थान पर आते हैं अमिताभ बच्चन जी, जिनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद यूपी में हुआ था। इन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1969 से की थी। इन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, जैसे पद्मश्री 1984, पद्म भूषण 2001, पद्म विभूषण 2015 एंड 4 times नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर। इनकी कई पॉपुलर मूवी भी रही हैं, जैसे शोले, पा, जंजीर, पिंक, मर्द, कूली इत्यादि। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।